खुशी जीवन की अनमोल सौगात एवं जीवन में कितने खुश रहते हैं हम पर निर्भर करता है। खुशी धरती से निरसते हुए उस जल की धारा होती है जो निरंतर जल के प्रवाह को बनाए रखती है, लेकिन यदि इस रिसाव को बंद कर दिया जाए तो खुशी रूपी जल का निकलना भी बंद हो जाता है। धरती में मौजूद जल की तरह ही खुशी भी हमारे अंदर ही छिपी होती है, लेकिन जीवन की उलझनों के कारण हम उसका एहसास नहीं कर पाते। खुशी जीवन की स्वाभाविकता है, लेकिन जब हम अस्वाभाविक जीवन की ओर बढ़ते हैं तो हमारी खुशी छिन जाती है। वास्तविक व आंतरिक खुशी यदि हमें पानी है तो हमें अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनने का प्रयत्न करना होगा, तभी हम सच्ची खुशी के अधिकारी बन सकेंगे। हमारे देखने और सोचने के नज़रिए का हमारे शारीरिक मन की मानसिक स्वास्थ्य पर अतोचित प्रभाव पड़ता है। भरपूर नींद की हमारे जीवन को स्वाभाविक बनाती है और हमें सहज प्रसन्नता प्रदान करती है। गहरी नींद लेने से हमारे शरीर की आंतरिक गतिविधियां संतुलित होती है, हमारा मस्तिष्क ज़्यादा अच्छी तरह से कार्य करता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। संगीत व नृत्य का भी हमारी खुशी से गहरा संबंध है। संगीत की लहरें हमें सुकून देती है और शरीर की तिरकना मन को प्रफुल्लित करती है। थोड़ी देर के लिए गुनगुनाना हमें खुशियों का स्वाद देती है। अच्छा संगीत तनाव मुक्त करता है, हमारी आंतरिक ऊर्जा को निखारता है और हमें सुकून देता है। अच्छे विचारों भावों के संकल्प से रहने से हमारी खुशियों को बढ़ाता है। नियमित श्रेष्ठ साहित्य का स्वाध्याय करना, पढ़ने से अच्छे विचार मिलते हैं और ये धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को सही दिशा प्रदान करते हैं। साथ ही समय समय पर हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। इसके साथ साथ सत साहित्यों में मौजूद भावात्मक व आध्यात्मिक ऊर्जा ऐसी भी हमारा पथ प्रदर्शन करती है और हमें आंतरिक खुशी प्रदान करती है, क्योंकि इन्हें पढ़ने से हमें एक आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। हम अपने जीवन में खुशियां हासिल कर और इन खुशियों को दूसरों को शामिल करके उसका जीवन भी खुशियों से सरोवर कर सकते हैं। आपका छत छाया सदा हमारे ऊपर रहे। आपको नमन ओम शांति।